अर्थात वार्ड और शिक्षा। आज हम कोड 102 में यथार्थवाद और शिक्षा के संकृत्य को पढ़ेंगे। यथार्थवाद और शिक्षा, रिलिजम एंड एजुकेशन। आदर्शवाद की भांति यथार्थवाद के भी अनेक रूप हैं। इसमें से शिक्षा मुख्य रूप से मानवतावादी यथार्थवाद, सामाजिकतावादी यथार्थवाद और ज्ञानेंद्रिय यथार्थवाद सभी को प्रभावित करती है। मानवतावादी यथार्थवाद मनुष्य की सुख सुविधा के साधनों एवं उपायों पर विचार करते हैं। यह ज्ञान को ज्ञान के लिए नहीं मानकर मनुष्य के जीवन को सुखमय बनाने के लिए शिक्षा को उपयोगी मानते हैं। मनुष्य के जीवन को सुखमय बनाने के लिए और वस्तु जगत को भौतिक जीवन के सुखमय बनाने के लिए आवश्यक मानते हैं। प्राचीन काल में रोम और ग्रीक साहित्य में जीवन को सुखमय बनाने के लिए आवश्यक ज्ञान एवं कला का समावेश होता रहा है। अतः उसके अध्ययन पर हमें यह सब सीखना आना चाहिए और सुखमय जीवन बनाने के लिए मानवतावादी यथार्थवादी सभी दार्शनिकों का और उनके दिए हुए तर्कों को भलीभांति जानना चाहिए। सामाजिकतावादी यथार्थवाद यह मानते हैं कि मनुष्य सुखपूर्वक तभी रह सकता है जब वह अपने समाज में समायोजन कर सके। इस विचारधारा के पोषकों में लॉर्ड माउंटेन और लॉक मुख्य रूप से अग्रसर रहे। लॉक की स्पष्टता अभिव्यक्ति थी कि प्रत्येक मनुष्य अपने पुत्र के लिए संपत्ति के अतिरिक्त ज्ञान, वस्तु जगत की वास्तविकता का ज्ञान और सदाचरण, सामाजिक आचरण, इन सभी का ज्ञान कराना चाहिए, क्योंकि इन सब से ही उसके पुत्र को सुख प्राप्त हो सकता है। ज्ञानेंद्रिय यथार्थवादी ज्ञानेंद्रियों को वस्तु जगत के ज्ञान का द्वार मानते थे और इन सब को मुख्य साधन मानते थे। इस विचारधारा के पोषकों में मूल कास्टर, बेकन, रटके और कमेनियस मुख्य रूप से अग्रसर रहे। इन विचारकों ने आदर्शवादियों के शिक्षा स्थान पर यथार्थवादियों को शिक्षा का पूरा योगदान दिया और उन्हीं ने शिक्षा का पूरा ढांचा तैयार किया। इनके बाद बर्टन रसेल और व्हाइट हेड आदि विचारकों ने यथार्थवादी शिक्षा के निश्चित स्वरूप को और उसके साथ अपने योगदान को महत्वपूर्ण स्थान दिया। यहाँ उस सब का क्रमबद्ध विवेचन दिया गया है। जैसे शिक्षा की संप्रत्य, यथार्थवादी शिक्षा को विकास की प्रक्रिया मानते हैं। यथार्थवादियों ने
ज्ञान को ज्ञान के लिए और ज्ञान की मुक्ति के लिए, और इन सिद्धांतों का विरोध किया है कि ज्ञान जीवन के लिए सिद्धांत का प्रतिपादन किया। यूं तो अरस्तो ने दार्शनिक चिंतन आदर्शवादियों के अधिक निकट है, परंतु उनके शैक्षिक विचार यथार्थवादियों से बड़ा ही मेल खाते थे। उनके शब्दों में शरीर में एक स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है। कमेनियस ने शिक्षा द्वारा व्यक्तियों और समाज दोनों के विकास पर समान बल दिया है। सामाजिक एवं व्यष्टिक शक्तियों को पुनर्जीवित करने की प्रक्रिया ही शिक्षा है। अंग्रेजी कवि मिल्टन ने उदार शिक्षा के स्वरूप को और विस्तृत किया है और कहा है कि भाषा साहित्य का ज्ञान प्राप्त कर लेना ही पर्याप्त नहीं होता है, अपितु इस ज्ञान को अपने जीवन में उपयोग करना भी आवश्यक होता है। उन्होंने अपने शब्दों में लिखा है कि मैं पूर्ण आदर तथा मिल्टन के अनुसार मैं पूर्ण तथा आदर शिक्षा को मैं पूर्ण तथा उदार शिक्षा उसको कहता हूँ। जो व्यक्ति को शांति तथा युद्ध दोनों में व्यक्तिगत और सार्वजनिक कार्यों का नियम न्यायोचित ढंग से दक्षता और उदारता के साथ करना सिखाती है। शिक्षा के उद्देश्य मुख्य उद्देश्य जीवन को सुखमय बनाना। यथार्थ अर्थात यथार्थवादी जीवन के किसी अंतिम उद्देश्य में शिक्षा में विश्वास नहीं करते। वे मनुष्य को इस संसार का एक पदार्थ मानते हैं और उसके जीवन को एक प्रक्रिया
उनके अनुसार शिक्षा द्वारा हम मनुष्य को इस योग्य बनाना चाहिए जिससे उसके जीवन को सुखमय बनाया जा सके, पर्यावरण में समायोजन कर सके, सुखपूर्वक अपना जीवन जी सके। इसके लिए वे शारीरिक विकास, इंद्रियों का प्रशिक्षण, मानसिक विकास, सामाजिक विकास और व्यावसायिक विकास, इन सभी की शिक्षा पर बल देते हैं। यही उनके अनुसार शिक्षा होती है और यही उनके अनुसार शिक्षा के जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। हम इन उद्देश्यों को निम्नलिखित शीर्षकों से को द्वारा अभिव्यक्त कर सकते हैं, जैसे शारीरिक विकास और इंद्रिय प्रशिक्षण। यथार्थवादियों ने मनुष्य को एक मनोशारीरिक प्राणी माना है। उसका मन भी शरीर का ही एक अंग होता है। मनुष्य सुखपूर्वक तभी रह सकता है जब उसका शारीरिक रूप से विकास हुआ हो और मानसिक रूप से वह एक स्वस्थ व्यक्ति हो। इसलिए शिक्षा के द्वारा मनुष्य के शारीरिक विकास को करने पर बल देना चाहिए। कबेनियस का स्पष्टीकरण है कि मनुष्य के पास 5 कर्मेंद्रियाँ होती हैं, हाथ, पैर, कंठ, गुदा और उपस्थ, यानी आँख, कान, नाक, त्वचा और जीवा। इन कर्मेंद्रियों से ही वह कार्य करता है। इन कर्मेंद्रियों का विकास कर इन्हें अपने कार्यों में प्रशिक्षित करता है, तब एक सफल मनुष्य बनता है। इसलिए शिक्षा द्वारा सर्वप्रथम मनुष्य की इंद्रियों का विकास और फिर उनका प्रशिक्षण होना चाहिए। मानसिक शक्तियों का विकास। यथार्थवादी शक्ति मनोविज्ञान में विश्वास करते हैं, इसलिए ये शिक्षा द्वारा बच्चों की मानसिक शक्तियों जैसे स्मरण, विवेक और निर्णय आदि का विकास करने पर बल देते हैं। इनका स्पष्टीकरण है कि वस्तुओं और क्रियाओं के जिस ज्ञान को हम ज्ञानेंद्रियों द्वारा प्राप्त करते हैं, उसकी अनुभूति मन और मस्तिष्क से ही हमें प्राप्त होती है। यदि इन इंद्रियों द्वारा प्राप्त ज्ञान को हम मन से स्वीकार न करें और उसे सुरक्षित न रख सकें, वह हमारे लिए निरर्थक साबित हो जाता है। इसलिए मनुष्य की मानसिक शक्तियों का विकास करना उतना ही आवश्यक है जितना कि वस्तु जगत में अपने जीवन को सुखमय बनाना। अरस्तु के अनुसार शिक्षा का कार्य स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का विकास करना होना चाहिए। प्राकृतिक और सामाजिक पर्यावरण का ज्ञान। यथार्थवादियों के अनुसार मनुष्य के जीवन में पर्यावरण एक महत्वपूर्ण तत्व माना जाता है। बालक का संबंध प्रकृति और मानव समाज, इन दोनों से होता है। इसलिए यथार्थवादियों के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य बच्चों को प्राकृतिक और सामाजिक पर्यावरण का पूर्ण ज्ञान कराना होना चाहिए, जिसे समझकर वे उनके साथ अनुकूलन करना सीख सके। इसलिए कि ये बच्चों को प्राकृतिक अध्ययन करने तथा समाज की परिस्थितियों के अनुरूप सामाजिक संगठनों का स्पष्ट ज्ञान कर सके। अब है वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समाज में यथार्थवादियों ने यह स्पष्ट किया है कि प्राकृतिक पर्यावरण का स्पष्ट ज्ञान भौतिक विज्ञान के अध्ययन के द्वारा किया जा सकता है और यह एक वैज्ञानिक विधि है। अवलोकन, सामान्यीकरण, नियमीकरण और प्रयोग द्वारा ही भौतिक जीवन के सुख का लाभ उठाया जा सकता है। अतः आवश्यक है कि शिक्षा द्वारा बच्चों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का भी विकास करना चाहिए। व्यावसायिक उन्नति
जीवन जीने के लिए मनुष्य को वस्तु जगत का भोग करने के लिए एक व्यवसाय की आवश्यकता होती है और व्यवसायिक की अवस्था के अनुसार व्यवसायिक प्रशिक्षण देना बहुत ज़रूरी होता है। यह विचारधारा मनुष्य के भौतिक जीवन को सुखमय बनाने के लिए उतनी ही जरूरी होती है जो जीवन को सुखमय बनाने के लिए विभिन्न उपयोगी वस्तुओं के उत्पादन की बड़ी आवश्यकताओं को महत्व देती है। यही कारण है कि यथार्थवादी सबसे अधिक बल व्यावसायिक शिक्षा पर देते थे। उनके अनुसार शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य बच्चों को कृषि अथवा उद्योग अथवा व्यापार में प्रशिक्षित कराना होना चाहिए। इसके लिए उन्होंने शारीरिक, मानसिक, नैतिक विकास की बात कही थी, पर संपूर्ण विकास मानव के ऐहिक जीवन से ही संबंधित होना चाहिए। वह शिक्षा की पाठ्यचर्या यथार्थवादी शिक्षा द्वारा मनुष्य के इस जीवन के लिए उसे तैयार करना आवश्यक मानते हैं। इनका मत है कि शिक्षा की पाठ्यचर्या में ही वे सब विषय रखे जाएं जिनका इस जीवन से सीधा संबंध होता है, जो मनुष्य के लिए उपयोगी होते हैं। चूँकि प्रायः सभी विषयों में कुछ न कुछ उपयोगिता होती है, इसलिए शिक्षा की पाठ्यचर्या में स्कूली शिक्षा की सभी विषयों को स्थान देना चाहिए। इनके द्वारा निश्चित पाठ्यचर्या बहुत विस्तृत है, लेकिन सबसे अधिक बल ये व्यावसायिक शिक्षा कृषि पर अधिक देते थे। इनके अनुसार निश्चित पाठ्यचर्या में व्यावसायिक विषयों जैसे विज्ञान, इतिहास, भूगोल, कानून के गुण और साहित्य, कला, संगीत आदि गौण स्थान दिया गया है। बेकन ने पाठ्यचर्या में सबसे प्रमुख स्थान विज्ञान को दिया है और इसके बाद साहित्य और दर्शन को। कमेनियस ने, क्योंकि एक धार्मिक व्यक्ति थे, चर्च में पादरी थे और स्कूली पाठ्यचर्या में धर्म की शिक्षा को महत्वपूर्ण स्थान देते थे, पर वे धर्म के इस जीवन में उपयोग करने पर बल देते थे। लोगों को सदाचारी और सेवक बनने पर भी बल देते थे। यह संख्या उठ सकती है कि बच्चों पर इतना अधिक विषयों को लाद कर यथार्थवादियों ने मनोवैज्ञानिक तथ्यों की अवहेलना की है, परंतु वास्तव में ऐसा नहीं है। यथार्थवादी बच्चों को अपनी रुचि, रुझान और योग्यता के अनुसार विषय देने के विकास पर बल देते थे और उन्हें विषय को चयन की छूट भी देते थे। पर हाँ, मातृभाषा को और किसी व्यवसाय की शिक्षा को वे अनिवार्य मानते थे। शिक्षण विधियाँ। यथार्थवादियों ने ज्ञान इंद्रियों को ज्ञान का द्वार माना है, इसलिए बच्चों को और उनकी ज्ञान इंद्रियों के प्रशिक्षण के लिए विशेष बल देते थे। इसके लिए कमेनियस ने शिशुओं की शिक्षा में ज्ञान इंद्रियों के प्रशिक्षण पर बल दिया है। मिल्टन ने यह माना है कि यात्रा को महत्वपूर्ण बताया, परंतु लोक ने निरीक्षण को, देशांतन एवं अनुभव द्वारा सीखने की बात को। ये बच्चों के मनोविज्ञान से परिचित हैं, इसलिए भिन्न भिन्न आयु के वर्ग के बच्चों को भिन्न भिन्न शिक्षण विधियों से पढ़ाने के ऊपर बल देते थे। यथार्थवादी वस्तुओं की अनुभूति का आधार वस्तु जगत को मानते थे, इसलिए उन्होंने वस्तुओं को शिक्षण साधन के रूप में प्रयोग करना प्रारंभ कर दिया। इनका स्पष्टीकरण यह है कि पदार्थ वास्तविक होते हैं और उनके प्रतीक शब्द और पदार्थ को संयुक्त रूप से प्रयुक्त करने और उनका जीवन में यथार्थवाद, ज्ञान
और इससे पहले दिखाना चाहिए और फिर उसके लिए शब्द देना चाहिए। परिणाम स्वरूप शिक्षा में दृश्य श्रव्य साधनों का प्रयोग होना चाहिए। भ्रमण को स्थान मिला है और सहपाठ्यचारी क्रियाओं को भी महत्व दिया जाना चाहिए। यथार्थवादी संपूर्ण ज्ञान को एक इकाई के रूप में देखते हैं, इसलिए ये सभी विषय एक दूसरे से संबंधित करके पढ़ाने पर बल देते हैं। इनके विचार से सहसंबंध को और विधि को बढ़ावा देना चाहिए। यथार्थवादियों ने हमें शिक्षण के अनेक सूत्र दिए हैं। रट के द्वारा विकसित शिक्षण सूत्रों में तीन सूत्र को महत्व आज भी माना जाता है। ये सूत्र हैं, शब्द ज्ञान से पहले वस्तु का ज्ञान दिया जाए, एक तथ्य स्पष्ट करने के बाद दूसरा तथ्य स्पष्ट करना चाहिए और आवृत्ति द्वारा ज्ञान प्राप्त करना चाहिए और उस ज्ञान को सुदृढ़ किया जाना चाहिए। कम्युनिशन ने इस क्षेत्र में विशेष योगदान दिया। उनके द्वारा विकसित शिक्षण सूत्र ज्ञानेंद्रियों द्वारा ज्ञान दिया जाए, शिक्षा मातृभाषा के माध्यम से दी जाए, ज्ञान को रटाया ना जाए अपितु बच्चों के अनुभव को आधार मानकर उनके ज्ञान को विकसित किया जाए, मूर्त से अमूर्त की ओर बढ़ा जाए और जो कुछ पढ़ाना हो उसका व्यवहारिक महत्व स्पष्ट और बच्चों को उसका प्रयोजन बताया जाए और बालकों को अभ्यास का अवसर दिया जाए। यथार्थवाद ने शिक्षण विधियों को बहुत अधिक प्रभावित किया है और अब रटने के स्थान पर करके सीखने का अनुभव प्राप्त किया जाना चाहिए। बच्चे स्वानुभव स्वयं किया गया अनुभव और उसके सीखने पर बल दें तो वह एक स्पष्ट ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। अनुशासन यथार्थवादी शिक्षा को व्यवस्थित रूप देने के पक्ष में हैं और इसके लिए विद्यालय में अनुशासन की आवश्यकता को समझते हैं। अनुशासन से इनका तात्पर्य है वस्तुनिष्ठ के प्रति समायोजन से है। इनके अनुसार वह छात्र अनुशासित हैं जो विद्यालय के नियमों का पालन करते हैं, विद्यालयों के नियमों के अनुसार चलते हैं और कठिनाइयों से भागकर पलायन नहीं करते, कठिनाइयों का सामना करते हैं और उसके योग्य बनते हैं और कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करते हैं। परंतु बाहर किसी प्रकार के दंड के आदि भय के द्वारा अनुशासन स्थापित नहीं करना चाहिए और वे इस सब का विरोध करते हैं। ये बच्चों को ऐसा भौतिक पर्यावरण देना चाहते हैं जिसमें उन्हें रहते हुए एक व्यवस्था कायम रखना सीखना चाहिए। वह वैसा करना उनके स्वभाव द्वारा बन जाए कि वह अनुशासन में स्वयं ही रहने लगे और स्वयं विद्यालय में अनुशासन स्थापित कर सके। शिक्षा के अन्य पक्ष शिक्षक यथार्थवादी शिक्षा की प्रक्रिया में एक शिक्षक को महत्व को स्वीकार करते हैं, पर आदर्शवादियों ने उनकी भांति उसे मुख्य स्थान नहीं दिया। आदर्शवादियों की भांति शिक्षक का पूर्ण व्यक्तित्व न मानकर किन्हीं एक या दो विषयों में निशानान अथवा क्रियाओं में दक्ष व्यक्ति को मानते हैं। यथार्थवादी शिक्षकों से यह आशा करते हैं कि वे बच्चों के सामने वस्तुओं और उनकी क्रियाओं को उनके वास्तविक रूप में ही प्रस्तुत कर सकें और उन्हें निरीक्षण एवं अनुभव द्वारा करने तथा निर्णय लेने के अवसर प्रदान कर सकें। इनके अनुसार इस प्रकार से विकसित ज्ञान ही वास्तविकता ज्ञान को प्राप्त करता है और वास्तविक ज्ञान होता है
आचरण आदि की शिक्षा देने के लिए ये पर्यावरण को महत्व देते हैं और उसकी महत्ता को भी स्वीकार करते हैं। इसलिए ये सब पहले शिक्षक की बात करते हैं। इनके अनुसार प्रत्येक शिक्षक को यह जानना चाहिए कि बच्चों को किस समय क्या कितना और कैसे पढ़ाया जाना चाहिए। इसके लिए ये शिक्षक के प्रशिक्षण के बल पर यह शिक्षकों के प्रशिक्षण पर अधिक बल देते हैं। शिक्षार्थी विद्यार्थी अर्थात बालक यथार्थवादी विचारक लोग बच्चे को जन्म से कोरी स्लेट मानते थे। उनका विचार था कि बच्चों को जैसा पर्यावरण दिया जाएगा वे वैसे ही बनेंगे। कमेनियस ने इस बात पर बल दिया कि बालकों के साथ प्रेम एवं सहानुभूति पूर्वक व्यवहार करके उनके व्यवहार में परिवर्तन किया जा सकता है। उनकी शारीरिक एवं मानसिक अक्षमताओं एवं रुचियों के अनुकूल उनसे कार्य कराया जा सकता है। इस प्रकार यथार्थवादी बच्चे के प्रति सजग हैं और उसकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर ही उसकी शिक्षा का विधान करते हैं। इनकी दृष्टि से शिक्षार्थी ही शिक्षा की प्रक्रिया का केंद्र होना चाहिए। विद्यालय यानी शिक्षा के लिए आलय, जहाँ पर बच्चे शिक्षा ग्रहण करते हैं। यथार्थवादियों के अनुसार विद्यालय को मनुष्य के निर्माण की कार्यशालाओं के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए। इन्होंने स्पष्ट किया है कि पदार्थ असीमित है, इसलिए उनसे संबंधित ज्ञान भी असीमित ही होता है। दूसरी ओर मनुष्य के सीखने की सीमाएं हैं, इसलिए हमें मनुष्य की मूल शक्तियों रुचियों आवश्यकताओं महत्वाकांक्षाओं के अनुसार ही उसकी शिक्षा का विधान भी करना चाहिए। जहाँ यह सब विद्यालय में ही संभव है, इसलिए यथार्थवादियों को विद्यालयों की आवश्यकता समझते हैं, जहाँ प्रशिक्षित बच्चों शिक्षक और बच्चों की रुचि रुझान और योग्यता अनुसार विकास करने के अवसर बच्चों को प्रदान किए जाने चाहिए। कुछ यथार्थवादी व्यष्टि शिक्षण पर बल देते हैं। उनकी दृष्टि से बच्चे के लिए शिक्षा आवश्यक होनी चाहिए, परंतु इस बात को स्वीकार नहीं किया जा सकता। अब तो यथार्थवादियों ने शिक्षा दूसरे वर्ग की बात मानी जाती है, जो कक्षा शिक्षण पर बल देते हैं। कक्षा शिक्षण की आवश्यकता विद्यालय के महत्व को और भी बढ़ा देती है। यथार्थवादियों के अनुसार किसी एक प्रकार के विद्यालय का समर्थन नहीं किया जा सकता। इनका तर्क है कि बच्चों की आवश्यकताओं में भिन्नता होती है, भिन्न भिन्न प्रकार के बच्चे होते हैं, इसलिए भिन्न भिन्न प्रकार के विद्यालय भी होने चाहिए। उनकी आवश्यकताओं के अनुसार बच्चों को जिस तरीके की आवश्यकता है, जिस तरह का ज्ञान वह प्राप्त कर सकता है, जितनी उसमें योग्यता है, उस अनुरूप उसे उसका विद्यालय भी दिया जाना चाहिए। यथार्थवादी विद्यालय को कृत्रिमता से दूर रखना चाहते हैं, उनमें वास्तविक पर्यावरण रखने पर जोर देते हैं। उनके अनुसार काम वासना मनुष्य की वास्तविकता है, अतः उसके आधार पर लड़के लड़कियों को अलग अलग पढ़ाना ही ठीक रहता है। ये तो सह शिक्षा के समर्थक है, परंतु वे कहते हैं कि सभी को साथ में बैठकर पढ़ाना, एक दूसरे की भिन्नता को दूर करना ज़्यादा बल देता है इस बात पर कि विद्यालय में और विद्यालय के शिक्षकों द्वारा बच्चों में भेदभाव ना किया जाए और उन्हें समान रूप से शिक्षा
दी जाए। ये विद्यालयों को यौन शिक्षा के उत्तरदायित्व को वहन करने की आशा रखते हैं। शिक्षा के अन्य पक्ष भी हैं। यथार्थवादियों की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इनके सोचने और करने का तरीका बड़ा ही वैज्ञानिक है, वस्तुनिष्ठ है। इन्होंने देखा कि संसार में उन्हीं देशों की उन्नति हुई है जहाँ के नागरिक शिक्षित हैं, विज्ञान के क्षेत्र में आगे हैं, उद्योगों में संलग्न हैं। इसलिए उन्होंने अनिवार्य उदार शिक्षा के स्थान पर अनिवार्य व्यावसायिक शिक्षा पर बल दिया है। उन्होंने यह भी देखा है कि जिन देशों में स्त्री और पुरुष दोनों उद्योग में काम करते हैं वे देश आर्थिक दृष्टि से संपन्न हैं। वहाँ के लोग अधिक आरामदायक जीवन व्यतीत करते हैं। अतः इन्होंने स्त्री और पुरुषों दोनों की शिक्षा को समान अवसर प्रदान करने पर बल दिया है। ये जानते हैं कि ईश्वर आसमान से हमारी किसी भी समस्या का समाधान नहीं करता, अतः मनुष्य के स्वयं अपनी समस्याओं का समाधान करना आना चाहिए और इस योग्य बनाने के लिए यथार्थवादी शिक्षकों को बच्चों को इसी प्रकार का ज्ञान प्रदान करने की ओर बल देते हैं जिससे मनुष्य कर्म करने के लिए स्वतंत्र रहे और ईश्वर पर नहीं अपने कर्म पर ही निर्भर रहे। यथार्थवाद की शिक्षा को देना किसी वस्तु क्रिया अथवा विचार का मूल्यांकन किन्हीं पूर्व निश्चित मानदंडों के आधार पर किया जाता है। शिक्षा मनुष्य के निर्माण की एक प्रक्रिया है, उसके ज्ञान एवं कौशलों में वृद्धि करने की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया शिक्षा ही है। उनके अनुसार आचार विचार और व्यवहार में उचित दिशा प्रदान करने की प्रक्रिया शिक्षा ही है। अब यह परिवर्तन विकास को किस प्रकार से प्रभावित करता है, यह समाज विशेष तत्कालीन परिस्थितियों और उसकी भविष्य की संभावनाओं और आकांक्षाओं पर निर्भर करता है। तब तक किसी शैक्षिक चिंतन अथवा व्यवसाय व्यवस्था का मूल्यांकन समाज विशेष की वर्तमान परिस्थितियों को भविष्य में संभावनाओं और एवं आकांक्षाओं के आधार पर किया जा सकता है। दर्शन एक रूप में यथार्थवाद वस्तु के अस्तित्व को स्वीकार करता है, उसे ही सृष्टि का आधार मानता है, उसे ही सत्य मानता है। यह मनुष्य को भी इस सृष्टि का एक पदार्थ मानता है और उसकी आत्मा को भी एक पदार्थ जन्य चेतन तत्व मानता है। इस विचार के प्रतिपादक ईश्वरवादी थे। उन्होंने ईश्वर के अस्तित्व का खंडन नहीं किया, इसलिए पूर्ण रूप भौतिकवादी दर्शन नहीं है। क्योंकि यह मानव जीवन को सुखमय बनाने पर बल देता है, इसलिए मानवतावादी दर्शन यथार्थवादी होता है।